नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत न्यूज टीवी खबरों की पड़ताल। आपके साथ मैं हूं अंशु। खबरों का रुख करते हैं। नीमच, वैसे तो जिले में कोरोना संक्रमण पूरी तरह से नियंत्रण में है, परंतु विभिन्न प्रकार के संक्रमण और वायरस फैलने की आशंका के चलते रविवार को कोरोना संक्रमण नियंत्रण उद्देश्य के चलते जिला प्रशासन के निर्देश पर कैंट थाने के बाहर पॉइंट लगाकर हर आने जाने वाले लोगों की कोरोना जांच की गई। प्रधान आरक्षक रामेश्वर चंदेल ने जानकारी देते हुए बताया कि जिला कलेक्टर मयंक अग्रवाल एवं पुलिस अधीक्षक सूरज कुमार वर्मा के निर्देशन में आज रविवार को कैंट थाने के बाहर स्वास्थ्य विभाग की टीम के साथ पॉइंट लगाया गया है। साथ ही प्रत्येक आने जाने वाले लोगों को रोककर संक्रमण नियंत्रण के लिए कोरोना की जांच की जा रही है। दोपहर तक लगभग 26 लोगों की कोरोना जांच हुई थी, जिनमें से सभी निगेटिव पाए गए। जी बताइए, कल क्या घटना हुई थी आपके साथ? कल मुझे एक कॉल आया था मेरे फ्रेंड का, तो उनके द्वारा बताया गया था कि कोई व्यक्ति है अपने मुस्लिम समाज का, जिस व्यक्ति को चाकू से किसी ने वार किया गया है। तो उसकी सूचना लेने के लिए मैं कैंट थाना के यहाँ पे गया था। वहाँ पे जो पदस्थ उस टाइम पे मौजूद अधिकारी थे, उनसे मैंने डिस्कशन किया। मैंने, सर जो व्यक्ति है उसके, अगर छोटा लड़का बताया जा रहा है, उसके आगे पीछे भी कोई फादर वगैरह भी उसके नहीं है, तो एक कौम का सर्व समाज का अध्यक्ष होने के नाते मैं ये जानना के लिए यहाँ पे आया था कि उस व्यक्ति बच्चे के साथ के अंदर मेडिकल उसका हो चुका है, कोई ज़्यादा तो उसकी चोट नहीं आई है, ये जानने के लिए मैं वहाँ पर उस टाइम पर गया था। तो डिस्कशन चल ही रहा था, बात कर ही रहा था मैं, अचानक से तो कुछ वहाँ पे जो पदस्थ अधिकारी थे उन लोगों ने मतलब पावर तोड़, कम से कम 8 से 10 पुलिस अधिकारी वहाँ मौजूद थे, वित्त थाना प्रभारी अजय सारवान जी, उन लोगों के साथ में मिलकर मेरे पर इस तरीके से रिएक्ट किया गया जैसे मैं कोई बहुत बड़ा अपराधी हूँ। और दूसरी सबसे बड़ी चीज़ है कि जब पुलिस बात करती है लोगों में शांति बनाने की, जिस तरीके से एक विवाद भी आपने सुना होगा, कल यादव मंडी के अंदर कोई विवाद हुआ है, तो एक मुस्लिम समाज के अध्यक्ष को मारना और मुस्लिम समाज की भावनाओं को भड़काना, पुलिस खुद इस तरीके का रिएक्ट कर रही है कि कहीं ना कहीं विवाद की स्थिति पैदा की जाए, जबकि पुलिस का काम ये है कि वहाँ पर शांति और अमन बना के उस मामले को दबाने की कोशिश की जाए और जो सही मुल्ज़िम है उस मामले के उनके ऊपर कार्रवाई की जाए, चाहे वो किसी भी पक्ष के हो, चाहे वो हमारे मुस्लिम समाज के हो, चाहे किसी भी। टेस्टिंग पॉइंट जो लगाया है किस आधार पर क्या है? ये कोरोना का संक्रमण के चलते हुए कलेक्टर साहब और एसपी साहब शासन प्रशासन द्वारा जो मुहिम चलाई जा रही है, तो ये चीज़ आगे नहीं बढ़े, इसलिए यहाँ पॉइंट लगाया गया है और सैंपलिंग ली जा रही है। सरकारी अस्पताल कर्मचारी हम भी लगे हुए हैं। किस तरह आप लोगों को रोककर सैंपलिंग करवाएं? हाथ से इशारा करके अपन रोकते हैं। हाथ जोड़ के लोगों का हो गया होगा अब तक? अब तक मेरे ख्याल से 15-20 लोगों का यहाँ पे हो गया है चेकिंग। कब तक चलेगा पॉइंट? जैसा आगे से आते आ जाए वैसा हम वो करेंगे। सर क्या नाम है आपका? मेरा नाम प्रधान आरक्षक रामेश्वर चंदेल, थाना कैंट।